हाँ ये मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, और आज है जुम्मा और जुम्मे की तैयारियां चल रही थी। पहले मैंने कामकाज वगैरह किया है, घर वगैरह सारा साफ किया है, यहाँ बच्चों के कपड़े इस्त्री किए। ये तो खराब कपड़े हैं अहमद, ये इसको मैंने बोला था धोने में डालते हैं। और ये वाली शलवार कमीज अहमद इब्राहिम की है और मुस्तफ़ा क्या शलवार कमीज निकाले। आज मैंने उसके नॉर्मल कपड़े निकाले हैं क्योंकि शलवार कमीज़ में इनको लगती है गर्मी और फिर ये कहते नहीं। हाथ दिखाओ, ये क्या है? ये क्या है? ये इधर, ये क्या है? क्या है? पोलियो के कतरे भी हैं। अच्छे थे, मजे के थे। आज मुस्तफा ने पोलियो के कतरे भी पी लिए हैं और आज जुम्मा है। जुम्मा कितनी जल्दी आ जाता पता ही नहीं चलता है ना यार, बात सुने इनका पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी आ जाता है ना। पिछला जुम्मा जो था वो कमजोर बार अवेलेबल था, ऐसा लग रहा है दो दिन बाद दोबारा जुम्मा आ गया। ऐसे दिन गुजरे हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा अभी तक आप गए नहीं? अच्छा नमाज पढ़ के निकलना, खाना खा के जाएंगे? खैर फिलहाल जो है अभी मेरा कुछ ये काम था कि मैंने जो है ना यहाँ पर इनके कपड़े तैयार कर दिए, सफाइयाँ कर दी हैं, पर बर्तन मेरे अभी भी रहते हैं और काम आराम आराम से करती हूँ। पता है कि मुझे ना आदत है कि आराम से तहम्मुल से साफ सफाई से काम करने की। हालांकि खाना बनाना तो मैं झटपट बना लेती क्योंकि वो डेली आदत ही मेरी, सफाइयों की मुझे इतनी आदत नहीं थी। और मेरी जो आदत और सफाई की है ना वो है कि जब मैं जिस चीज़ को लग जाऊँ ना काम करने तो अच्छे से साफ करना है, फिर जब मैं अच्छे से साफ करती ना मुझे टाइम लग जाता है। और टाइम लगते लगते एक बज चुका है और मैं 11 बजे से लगी हुई हूँ, 11 बजे से लगी हुई थी काम करने और ये टाइम हो चुका है। अब मैं बर्तन धोऊंगी, साथ साथ यहाँ कपड़े सूखने रखे हुए थे और ये मुझे लग रहा है बच्चों ने गीले हाथ लगा दिए, हल्की हल्की भी गीली है ये। और यहाँ से तो हटा दिए, हवा आती है बस, ये थोड़ी सी शर्ट्स रह गई हैं जो पूरी तरह सूख जाएंगी तो उसके बाद इसको भी मैं रख दूँगी। अलमारियाँ सेट करनी है क्योंकि अलमारियाँ भी रद्दम बद्दम डम्बन डम्बम हो गई हैं। और बात सुने ग्रॉसरी करने वाली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सामान ख़त्म हो चुका है तो ग्रॉसरी आज हो जाएगी कल। अरे मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है कि हमें टाइम अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये मसरूफ़ होते हैं और छुट्टियों के दिन जा चुके हैं। जी बोलें। सुबह में खुला हुआ नहीं होता? खुला होता है। हाँ वैसे हम लोग कभी सुबह में क्यों नहीं गए, मतलब किस टाइम पे? कोई बात है, ऑफिस होता है, वर्किंग डेज कहाँ जाने, और जो संडे है वैसे ही हम लोग इतना लेट होकर उठते हैं, इतना लेट होकर उठ रहे हैं और संडे को भी नहीं जाने का। खैर आप लोगों ने करना क्या है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, कर दो। अभी भी मैंने रोटियां बनाई हैं तो मैं बाहर आई हूँ तो ऐसे छाँव छाँव सा मौसम हो चुका है, ऐसे जैसे बारिश होनी आ रही। मेरी तो पेंटें ही जो है ना वो अभी सूखी हैं, मेरी नहीं बच्चों की है। खैर अभी ऐसे मतलब कि धूप नहीं है, छाँव सी हुई हुई है और ये लोग तो जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं तो कमरे में बैठे हुए थे। मैंने बाहर चूल्हा जलाया हुआ था ना तो जिसकी वजह से गर्मी हो जाती है, मुझे पंखा बंद करना पड़ता है नहीं तो आग जो है वो इधर उधर उधर होती है हवा से। तो ये लोग आ चुके हैं जुम्मा पढ़ के। हाँ जी गर्मी बहुत है क्या? बहुत, मेरा सर चकरा रहा है। पर चकरा रहा है, पता नहीं कराची में गर्मी जा क्यों नहीं। क्या हो रहा है? बुखार, बुखार हो रहा है इसको ना, बुखार हो रहा है। और आपको क्या हो रहा है? सुस्ती आ रही है। बुखार तो नहीं है, बस कर दे, पूरा हफ्ते से मैं सुनती आ रही हूँ बुखार है, बुखार है, और वो ठंडा बुखार है। हाँ ये मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। एक बात बोलूँ, इतना तेज़ बुखार लेके आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप आंखें बंद करके आराम से सो जाएं। मेरी माँ ने आपको आराम की ज़रूरत है। ना खाना खा के भी जाना है मुझे। मुझे पता है आपको जाना है, आप बिजी इंसान है। और दूसरी बात, तुम साइकिल का पापा को बताओ क्या कह रहे हो? मैं अच्छा एक बात मैं बताऊं, पापा को नसला भी है, गला खराब भी है और बुखार भी हो रहा है। मामा की टांग का भी मसला है, कमर में भी दर्द रहता है, ज्यादा चल फिर नहीं सकती है मामा। तो जो चीज खराब हो जाती है उसको फेंक देते हैं, बेच देते हैं। चीज़, मामा चीज़ थोड़ी है। हाँ, ऐसे जवाब देते हैं। ओए ये कहाँ से आ गया? मामा, जी बात सुने, एक काम कर, अभी ये बेच दो रिसाइकल, मेरे को बेच दो, आप मेरी रख लो। ओ मेरा बेच दो, आपस में एक दूसरे को बेच रहे हो, खरीद रहे हैं, पागल हो गए। भैया मेरे लिए लेता, मैं भैया के लिए लेता हूं, मेरे को मैं पैसे जमा करके सही करवा दूंगा। अच्छा चलो जल्दी जल्दी उठो, चल रहे हैं, मैं जा रही हूं आप किचन में ही जा रही हूं। आप लोग उठ के हाथ मुंह धोकर आओ, बाहर बैठो, मैं खाना लगाने लगी हूं। आ जाए, खाना लग गया है, मैं पहले भी कह के गई हूँ, बस कर दें फोन, छोड़ दें।
आओ आप लोग भी, मुस्तफा ऐसे सर मुड़ सकता है गर्दन। A few moments later. बिलाल को कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, कह रहे हैं कि आ जाओ लोकेशन देखने जाना। तो मैंने कहा रुक जाएं, दो मिनट चाय साथ मिलके पी लेते, क्योंकि चाय अकेले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कह रहे हैं पाँच मिनट में चाय बनाओ, तो मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। पाँच मिनट तो नहीं, सात से दस मिनट तो लगेंगे ना, उबाला भी आता है चाय को। तो जल्दी से हम बनाते हैं चाय, मिलके पीऊंगी इनके साथ चाय, फिर उसके बाद ये चले जाएंगे लोकेशन देखते। यहाँ पर अहमद ने बॉटल्स रखी हुई हैं और इब्राहिम जो यहाँ से इस बॉल से गिराएंगे। निशाना पक्का है, कच्चा है? यार आपने व्लॉग बनाया पहले इतनी अच्छी अच्छी, आपके बाद मेरी बारी है, करो 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 जल्दी। ओ एक गेम, अरे अरे चाय चाय चाय, साथ साथ चाय भी बन रही है, साथ साथ गेम भी खेलते थोड़ा सा। यार दो मिनट जल्दी जल्दी जल्दी, सही वाला बंदे को मार दिया। बॉटल चलो, बॉटल को गिराना है, बॉटल को ये वाले बंदे को गिराऊं? आप बॉटल को जल्दी से गिरा दो, कोई सी भी, हाँ हाँ कोई सी भी गिरा दो। Yes! अब वो वाली भी, छोटे वाली भी। वापस जाए, वापस जाए। अहमद ये इसको बीच में रखे सेंटर में। अहमद सर मेरे पीछे हो तालियां बजाने के लिए। अब लेकिन कच्चा नहीं खाना। ये कच्चा नहीं होगा, ये भी पक्का होगा। ये कच्चे हैं। Yeah! अभी पैसे निकाल। कोई बात नहीं। एक ही बहुत है। चलो हम चाहे मैं कोई नहीं खेल रही, नहीं नहीं कोई बाजी बाजी नहीं हो। चलो चलो, पैसा ही होता है जिंदगी में, हर चीज पैसा ही तो होता है। पैसा नहीं होता भाई, पैसा नहीं होता। चाय पक गई है, अब हम निकालते हैं कपों में चाय। फिलहाल जा चुके हैं लोकेशन देखने और बच्चे जो है वो ट्यूशन जा चुके हैं और मुझे छींक आने वाली है, दो मिनट रुक जाए। नहीं आई, खैर मुझे लग रहा था ऐसे डस्ट, मौसम डस्ट वाला है ना, इसलिए मुझे लगा। खैर बच्चे जो हैं वो ट्यूशन जा चुके हैं, बिलाल जो वो शूट की लोकेशन देखने गए हैं और मुस्तफ़ा को लगी हुई थी भूख आज, इन्होंने दिन में खाना नहीं खाया, थोड़ा बहुत जो खाया अब लगी हुई थी भूख। नोट मुंह में नहीं डालते दुनिया जहाँ का गंदा नोट होता है। अब हम जा रहे हैं, जाते हुए रास्ते से मुस्तफ़ा को कुछ ना कुछ खाने को लेकर देंगे और मुस्तफ़ा जो है वो कुछ दुकान पर रुक कर मुझे तंग करेगा, एक चीज़ दो तीन चार, अब मेरा वो बखेड़ा रहता है जाने का। और जी बोलो, फाड़ के दें वो नहीं लेंगे। तो मैं जा रही थी अम्मी की तरफ और आज मैंने टेलर के पास भी जाना है, कपड़े फाइनली सिल चुके होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अगर नहीं सिले तो मेरी हो जाएगी लड़ाई, क्योंकि आज मैंने उन्हें वार्निंग दी हुई थी कि आज मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी वजह से ही चाहिए। अंदर चलो दुकान में, ये लो ये वाला ले, ये लेना ये वाला, इसमें ज़्यादा नहीं होते, किसमें ज़्यादा होते हैं। चलो दो, अब इसमें ज़्यादा है ना, रुको मैं आपको पैसे और देती हूँ। मुस्तफ़ा ये तबड़ वाले क्यों लिए, इसमें बड़े बड़े होते हैं। थोड़ी गेट बजाओ ना, और मुस्तफ़ा कॉटन कैंडी इतनी पसंद है, अब लेस छोड़ दिए। ये कौन क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या कॉटन कैंडी। A few moments later. मैं काफ़ी देर से अम्मी के घर आई हुई थी और व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, कोई है ही नहीं, तो ऐसे ही मैं कामों में लगी हुई थी, बैठी कभी इधर कभी उधर। अभी अम्मी को मैंने कहा है कि तकरीबन सात बज चुके हैं, जी सात पाँच हो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ टेलर के पास, क्योंकि मैंने कहा था मगरिब के बाद मैं आपके पास आऊँगी अपने कपड़े लेने, तो होप के कपड़े सिल चुके हों। तो बस ये कि अब चलते हैं दर्जी के पास। जी तो मैं घर आ चुकी हूँ और टेलर के पास गई थी, टेलर से आई हूँ, तो टेलर ने कहा बस थोड़ा सा काम है जो कि हो जाएगा, तो आप दस बजे तक ले लीजिएगा। अभी 7:30 हो चुके हैं, होप की बिलाल आज है, मैं उनके साथ जाके फिर टेलर से ले लूँगी। ये कह रहे थे आज सेइंग यस करो, है ना? आपके साथ मामा ने कितनी दफा यस यस करके चीज़ें दिलाई हैं? हाँ। क्या क्या दिए? कॉटन कैंडी और चिप्स लेकर दिए, कॉटन कैंडी लेके गए थे, आज तो सेइंग यस चल रहा है। हाँ दाल एक, दाल एक, हाँ। दाल कौन सी बने लगी थी? हाँ चिप्स वाली दाल। कह रहे मम्मा सेइंग यस हो रहा है मेरे साथ, आप आज सारा दिन करोगे, अभी आते हुए आइसक्रीम देखी, मम्मा सेइंग यस, मैंने कहा नो, मम्मा सेइंग यस, मैंने कहा नो नो नो, आइसक्रीम की दो मम्मा ने नो कर दिया ना। कल आज तो आप बाबा को बोलती इसके बाल कटवा दो, ठीक है कटवा दो ना यार, प्लीज बाल कटवा लो। नहीं मैं तो कटवा दूंगी आपकी बाल, नहीं तो मैं आपकी पोनी बनाऊंगी, जैसे भैया की स्कूल में पोनी बनती है ना, ठीक है पोनी बनवाओगे? हो खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ये है कि बिलाल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही। मसला ये है कि मैंने कहा आप इंजेक्शन लगवा लो, तो कहते हैं मैंने नहीं लगवाना, और मैं ज़बरदस्ती इनको साथ लेके जाके इंजेक्शन लगवा कर लाऊंगी। खांस के दिखाओ कैसे खांसी हो रही है।
हाँ ऐसे, और बुखार दिखाएं कितना और है? बुखार तो नहीं हो रहा है। नहीं बुखार नहीं है, सिर्फ ये नज़ले जुकाम ने इतना परेशान कर लिया है कि आज ये अपनी चाय के बजाय मेरी चाय पी गए थे और महसूस भी नहीं हुआ। मुझे बताओ आपको फीकी मीठी में कोई फर्क नहीं लगा? चाय का जायका नहीं आया ना? किसी चीज़ का जायका नहीं आया। मुझे फिर जब मीठी पीनी पड़ी मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा इन्होंने फीकी चाय पी ली और इनको एहसास भी नहीं क्योंकि इनको टेस्ट नहीं आ रहा। पर आप लोग ये मत समझिएगा ये कोरोना है, कोरोना के अलावा भी जो सेंसेस का प्रॉब्लम होता है ना तो उसमें जो है वो टेस्ट चला जाता है, ऐसा ही है ना। तो खैर अभी मैं लेके जाऊंगी इन्हें और इन्हें लगवा कर लाएंगे हम इंजेक्शन। क्या पता डॉक्टर बोले इंजेक्शन नहीं लगना, दवाइयों से गुजारा हो जाएगा, बट मैं इसलिए चाह रही हूँ इंजेक्शन लगवाना कि इनको इंजेक्शन लगेगा ना तो इनका नज़ला जुकाम भाग जाएगा। वरना मेरे व्लॉगों को भी मसला हो रहा है कि ना हम कहीं जा पा रहे हैं ना कहीं यहाँ पा रहे हैं, ये ऐसे होते हैं। आ गया मैंने जब से ये आया मैंने व्लॉग ही नहीं ऑन किया था कि मूड ठीक नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के लेके चलती, जा भी नहीं रहे थे तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं डॉक्टर के। सुबह आपने चलना इंजेक्शन लगवाने, चलना साथ इंजेक्शन लगवाने। अरे बाल कटवा लो मुस्तफा, इतना रोते बाल नहीं कटवाता। आपको लंबे बाल अच्छे लगते हैं? कितने अच्छे लगते हैं इस, और कितने लंबे रखने बता दो मुझे, हाथ से बताओ कितने लंबे रखने हैं यहाँ तक। चलो भाई आप भी इंतजार करें मुस्तफा के बाल यहाँ तक कब होंगे, वो कैसा लगेगा। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। लगवा ली इंजेक्शन आगे मजा इंजेक्शन लग चुका है इनको और अब हम आ चुके हैं चाय पीने। इंजेक्शन कहाँ लगा? कुछ भी दवाई ले ली है, इन्होंने कहा चाय पीने का मूड हो रहा है तो बाहर चलते हैं चाय पिएंगे, जाके इनको देनी है दवाई। इंजेक्शन कहाँ लगा? हर चाय पीते हैं। ये देखो आपके लिए क्या आया, बिस्किट। थैंक यू तो बोलो। ये खाने लगे यहाँ पर दवाई। और यहीं से मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने करना क्या, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट, और साथ ढेरों सी दुआएं लाजमी देनी है। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।